हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, टॉपिक अपने चल रहे थे जनसंख्या संगठन से संबंधित, जिसमें हमने पिछले वीडियो में ग्रामीण नगरीय संगठन के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा भाषाई संगठन के बारे में। आज टॉपिक हमारे पास में है धार्मिक संगठन। टॉपिक डालेंगे अपन धार्मिक संगठन। देखिए, धार्मिक संगठन क्या होता है? देखिए, धार्मिक संगठन धर्म से जुड़ा हुआ वर्णन है। मतलब धार्मिक संगठन ये हमें धर्म से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। जो विविधताएं हमारे भारत देश में है, उस भारत देश में कितने धर्म के लोग रहते हैं, उनसे संबंधित अध्ययन धार्मिक संगठन हमें करवाता है। देखिए, धर्म जो होता है वो सर्वाधिक किन चीज़ों को प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा? ये धर्म सर्वाधिक भारतीय, क्योंकि भारत की बात चल रही है तो भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, ठीक है, संस्कृति व आपके जो राजनीतिक जीवन है, ठीक है, राजनीतिक जीवन है, इस जीवन को क्या करती है? प्रभावित करती है। किसकी बात है? धर्म की। ये धर्म जो है वो हमारे भारत की संस्कृति और राजनीतिक जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। धर्म ही है, ये धर्म जो है ये हमारे लोगों के परिवार, ठीक है, क्योंकि परिवार जो होता है वो धर्म से बना है, और जितने भी सामूहिक का मतलब होता है एक साथ जो जीवन होता है, क्योंकि हम सामूहिक रूप से एक स्थान पर निवास करते हैं, इन सब का जीवन जो होता है वो लगभग धर्म से क्या होता है? प्रभावित होता है। सभी पक्ष जो होते हैं एक तरीके से धर्म से जुड़े हुए होते हैं। तो लाइन अपनी क्या है? धर्म लोगों के परिवार और सामूहिक जीवन का लगभग सभी पक्षों को, ठीक है, या पक्षों में क्या होता है? उपस्थित होता है। धर्म परिवार में भी होता है और हमारे सामूहिक जीवन के अंदर धर्म की उपस्थिति देखी जा सकती है। और देखिए धर्म के बारे में, देखिए धर्म जो होता है ये एक तरीके से हमें कह दीजिए धर्म संगठन, अगर अपन जोड़ दिया जाए धर्म का संगठन, जो हमें धर्म की विविधता का क्या करवाता है? अध्ययन करवाता है, ठीक है। मतलब ये हमें धर्म की विविधता, एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर धर्मों का जो अनुपात होता है, कहीं पे अलग धर्म के लोग रहते हैं तो कहीं पर अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी भी प्रदान करता है। धर्म जो होता है, देखिए धर्म की बात करें तो धर्म की एक संख्यात्मक मतलब होता है संख्या के रूप में जो प्रबलता होती है वो सभी राज्यों में अलग अलग होती है। कहने का मतलब ये है कि धर्म की जो संख्यात्मक मतलब अलग अलग धर्मों को मानने वालों की जो संख्या होती है, उसकी जो प्रबलता होती है, मतलब अनुपात की संख्या किसी धर्म की ज़्यादा होती है तो किसी धर्म की कम होती है, वो सभी राज्यों के अंदर कैसी होती है? अलग अलग होती है, एक जैसी कहीं पे भी नहीं होती। इसको हम एक सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए वो सारणी क्या है, इस लाइन को समझने के लिए आपको एक सारणी को देखना पड़ेगा। देखिए वो सारणी क्या है, हम लोग क्या करेंगे कि धर्म का नाम और उनकी संख्या और उनका परसेंट किस प्रकार से बटा हुआ है। सबसे पहले हम लिखेंगे धार्मिक समुदाय, धार्मिक समुदाय में उसका नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे जनसंख्या, और वो भी किसमें? मिलियन में, ठीक है, और फिर उसका प्रतिशत देखेंगे, कुल प्रतिशत कितना है, ठीक है, उस धर्म का। ये जो आंकड़े मैं बता रहा हूं आपको, ये 2011 के अनुसार इस आंकड़ों को मैं प्रदर्शित कर रहा हूं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें हिंदू धर्म की, ठीक है, हिंदू धर्म जो है उसकी मिलियन अगर संख्या देखी जाए
तो 966.3 मिलियन संख्या हिंदू धर्म की है भारत के अंदर। अकॉर्डिंग 2012 के अनुसार 79.8% इस धर्म का अनुपात था या है। इसके बाद में जो धर्म आता है वो है मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म की संख्या है 172. ठीक है, 2 मिलियन, और इसका परसेंटेज कितना है 14.2% आपका भारत के अंदर इन मुसलमानों का है। इसके बाद में तीसरे नंबर पे जो धर्म आता है वो आता है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म का जो परसेंटेज है मिलियन में वो 27.8 मिलियन जनसंख्या इसकी है, 2.3% ये लोग भारत में निवास करते हैं। इसके बाद में आता है आपका कौन सा धर्म, इसके बाद में आता है सिख धर्म। देखिए सिख धर्म जो है इसका जो संख्या है 20.8 मिलियन, ठीक है, और इसका परसेंटेज है 1.7%। इसके बाद में अपना जो धर्म है सिख के बाद में कौन सा, बौद्ध धर्म। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म जो है इसकी संख्या 8.4 मिलियन और 0.7% इसका अनुपात है। इसके बाद बौद्ध धर्म के बाद में आता है जैन धर्म। जैन धर्म जो है इसकी संख्या है 4.5 मिलियन और इसका परसेंट 0.4% इसका भारत की जनसंख्या में भाग है। इसके बाद में जैन धर्म के बाद में आता है अन्य धर्म की बात कर लें, अन्य धर्म। ठीक है, अन्य धर्म जो है 7.9% मतलब 9 मिलियन लोग है और 0.7% इनका अनुपात है। ठीक, 0.7। ठीक है, चलिए अब कुछ धर्म के लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि हम किस धर्म से हैं। ठीक है, उसका अनुपात मैं आपको यहां लिख रहा हूं हिंदू धर्म की जगह। देखिए 8वें नंबर का जो टॉपिक है वो है कुछ ऐसे भी धर्म के लोग हैं जिनको धर्म ज्ञात नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं, देख लीजिए 2.9 मिलियन लोग हैं ऐसे। ठीक है, और उनका परसेंट 0.2%। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे 2011 के अनुसार धार्मिक संगठन के बारे में जो भारत के अंदर इनका अनुपात इस तरीके से बंटा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राज्यों के अनुसार कि राज्यों के अनुसार भारत के अंदर जो अनुपात है कि हिंदू धर्म कहाँ निवास करते हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये कहाँ कहाँ पर निवास करते हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू धर्म की। ठीक है, देखिए हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म जो है कहाँ पर निवास करता है, जैसे कि सॉरी किस क्षेत्र को छोड़ दो और वहाँ निवास करता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर भारत जो है, भारत और बांग्लादेश की बात करें, ठीक है, भारत और बांग्लादेश की बात करें, भारत और बांग्लादेश इसकी जो सीमा है उसको छोड़ दीजिए, भारत और पाक सीमा को छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, आपके जम्मू कश्मीर का जो उत्तरी और पूर्वी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसके अलावा दक्कन पठार का कुछ भाग इसको भी आप छोड़ दीजिए, गंगा के मैदानी कुछ भाग इसको भी आप छोड़ दीजिए। इन सभी क्षेत्रों को छोड़कर, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में हिंदू उपस्थित है। ठीक है, और इनका जो अनुपात है वो कितना है, 70 से 90%। ठीक है, 70 से 90% का अनुपात आपके हिंदू धर्म का है। कुछ कुछ भागों को छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह आपका हिंदू धर्म जो है वो 70 से 90% है, वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक परसेंटेज माना जाता है। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर
79.8% जो है आपका हिंदू धर्म है और 966.3 मिलियन लोग भारत में निवास करते हैं, ठीक है ना। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है, जो 966.3 मिलियन है, तो आप हिसाब लगा लीजिए आपका सबसे ज्यादा परसेंट हिंदू धर्म का है भारत देश में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसकी मुस्लिम धर्म की। देखिए मुस्लिम धर्म जो है वो भारत में कहां कहां निवास करता है, दूसरा है मुस्लिम धर्म। देखिए मुस्लिम धर्म जो है सर्वाधिक निवास करता है जैसे कि जम्मू कश्मीर। देखिए अब वो जो मैंने हिंदू धर्म वाले भाग छोड़े थे वहां पर ये निवास करते हैं, जम्मू कश्मीर है, ठीक है, आपका जो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में आपके मुस्लिम धर्म निवास करता है। इसके अलावा आपका केरल जो है, केरल में हिंदू नहीं मुस्लिम ज़्यादा अनुपात है। इसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले मुस्लिम धर्म से संबंधित है। इसके अलावा अनेक ज़िले हैं, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली में भी आपके मुस्लिम अनुपात ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा आपका लक्षद्वीप, यहाँ पे भी मुस्लिम धर्म ज़्यादा मिलेंगे। मैंने बताया था आपको 172.2 मिलियन आपके मुस्लिम धर्म का है और भारत में इनका अनुपात है 14.2% का अनुपात या परसेंटेज मान लीजिए वो आपके किसका है, मुस्लिम धर्म का है, ठीक है। चलिए आगे गुरु बढ़े, तीसरे नंबर पे आता है ईसाई धर्म। देखिए ईसाई धर्म जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में अनुपात सर्वाधिक। इसके अलावा हम बात करूं गोवा की, गोवा में आपको सर्वाधिक ईसाई धर्म मिलेंगे। केरल, केरल में भी आपको ईसाई धर्म ज्यादा मिलेगा। मिजोरम, ठीक है, और बात करें मेघालय, और बात करें नागालैंड, ठीक है, नागालैंड के पहाड़ी राज्य, ठीक है, और इसके अलावा हम बात करें छोटा नागपुर का क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र, ठीक है, और मैं बताऊं आपको मणिपुर, ठीक है, मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, ईसाई धर्म के क्षेत्रों के जहां पर इनका अनुपात है। इन अनुपात के अंदर संख्या मैंने बताई थी 27.8 मिलियन लोग इससे जुड़े हुए हैं और 2.3% जो है इसका अनुपात भारत की जनसंख्या में उपस्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ईसाई धर्म के बाद में देखिए ईसाई धर्म की बात करें, ईसाई धर्म के बाद की बात करें चौथा बिंदु आता है सिख। देखिए सिख धर्म जो है ये सर्वाधिक जो है कहां पाए, कहां उपस्थित होते हैं, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और आपका दिल्ली, यहां पे सबसे ज्यादा आपको सिख धर्म मिलेगा। इसके अलावा बात करें जैन धर्म की, अच्छा सिख धर्म का अनुपात मैंने आपको बता ही दिया, सिख धर्म का अनुपात जो है 20.8 मिलियन लोग जो है वो आपके इस धर्म से संबंधित है और इनका जो परसेंटेज है 1.7% जो है भारत की जनसंख्या में इनका अनुपात है। इसके अलावा जैन धर्म की बात कर लीजिए, देखिए जैन धर्म कहाँ कहाँ निवास करते हैं, जैन धर्म है राजस्थान, ठीक है, आपके जो राजस्थान है उसके जितने भी नगरीय क्षेत्र हैं, नगरों में निवास करते हैं ये लोग, पैसे वाले भी होते हैं, ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं ये लोग, गुजरात, ठीक है, और इसके अलावा महाराष्ट्र, यहाँ पे ये निवास करते हैं। और मैं बता दूँ आपको जैन धर्म का जो अनुपात है वो 8.4 मिलियन इनकी संख्या है जनसंख्या के अंदर 8.4 मिलियन और 0.7% इनका अनुपात है किसका,
जैन धर्म का भारतीय जनसंख्या के अंतर्गत। इसके अलावा आ जाइए बौद्ध धर्म की बात कर लेते हैं। देखिए बौद्ध धर्म जो है वो कहाँ पर निवास करते हैं, महाराष्ट्र के संकेंद्रित क्षेत्रों में जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है। इसके अलावा आपके सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इसके अलावा आपका जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाला भाग, जम्मू कश्मीर के लद्दाख का भाग, और मैं बता दूं आपको जम्मू कश्मीर का लद्दाख के भाग के अलावा त्रिपुरा, हिमाचल जो प्रदेश है उसमें लाहौल और स्पित वाला क्षेत्र है वहां पे भी ये लोग निवास करते हैं, ठीक है। त्रिपुरा और मैंने कौन सा बताया, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश के लाहौल व स्पीति क्षेत्र में, लाहौल और स्पीति कौन सा क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी जनसंख्या के अंदर जितने भी धर्म के लोग निवास करते हैं हमारे भारत के अंदर, हिंदू धर्म सर्वाधिक है, फिर मुस्लिम धर्म है, फिर ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन, अन्य धर्म के लोग भी हैं और ऐसे भी लोग हैं जो धर्म के बारे में नहीं जानते, उनका अनुपात भी 2.9 मिलियन अनुपात है इन लोगों का, और 0.02% मतलब 2% इनका अनुपात भारत की जनसंख्या के अंतर्गत है। तो आज मैंने आपको धार्मिक संगठन के बारे में बताया जो कि प्रदर्शित करता है भारत के अंदर धर्म के बारे में कि हमारा धर्म जो है वो एक जैसा नहीं है। राज्यों के अकॉर्डिंग, राज्यों के अनुपात के आधार पर देखा जाए तो धर्म जो है वो विभिन्नता लिए हुए हमारे भारत में लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो आज हमारा वीडियो धार्मिक संगठन से संबंधित आज कंप्लीट होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।